बीबीएन वर्सेस उन्ना के बीच में आपको ये सेमीफाइनल का मुकाबला देखने को मिला स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 जो कि इंदुबोटा में ये कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया है। 25 नंबर जर्सी उन्ना की ओर से रेड पर बोनिस्टो रेडर 6 पॉइंट नंबर जर्सी बीबीएन की ओर से रेड पर की ओर से 16 नंबर जर्सी अपने रेड पर और ये देखना होगा कोशिश है, बोनस पॉइंट बटोरा है, बहुत बेहतरीन है। काफी जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से चतुराई से बोनस पॉइंट बटोरा। लेकिन ये छोटे कद के खिलाड़ी छोटे नहीं है, दम बहुत है, लेकिन अब भी बोलो जी फॉर सेकंड रेफरी आशीष कनेरिया, अंपायर जसपाल राणा, जतेंद्र सिंह, स्कोरर प्रकट सिंह, असिस्टेंट स्कोरर राजेश चौधरी, मनोज ठाकुर और थर्ड स्कोरर सुमित और ऑफिशियल टेकर चार अंपायर नंबर टू बीबीएनई की ओर से 6 नंबर जर्सी अपने रेड पर रुद्रा अकेडमी ऊना के बारे में नंबर जर्सी और रुद्रा अकेडमी का मैच बहुत बेहतरीन मैच अभी देखना होगा, कुछ नई रणनीति रहेगी खिलाड़ी फेडर चीफ की भूमिका में और आशीष गुलेरिया जी तीन नंबर खिलाड़ी जी भी ग्रुप की तरफ से यहाँ पे वही हमारे राइट नंबर खिलाड़ी अपनी रेड पे अपना डिफेंस को हिलाते हैं, बोनस से चतुराई से बटोरते हैं, बोनस बटोरेंगे या टच पॉइंट लेने की कोशिश रहेगी, वही चौकन्ना उतना डिफेंस टाइट है, कोई मौका नहीं देते हुए काफी क्लोज खेल रहे हैं, तारीफ करनी होगी डिफेंस की क्योंकि इतना क्लोज है। ये तारीफ है, ये बीबीएन ब्लू के इस पॉइंट की तारीफ है, बहुत बेहतरीन है। हेलो 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 इंडिया सेंटर राजपुरा वसीम बीबीएन सेकंड सेमीफाइनल लास्ट कॉल। हेलो राजपुरा टीम आ गई है, बीबीएन रेड टीम जल्दी रिपोर्ट करें। बीबीएन रेड टीम इस मैच में जो पैर है जसपाल राणा जी, जतिंदर सिंह बनकर सिंह हो गए स्कोरर, राजेश चौधरी जी एस्टर स्कोरर, मनोज ठाकुर एस्टर स्कोरर, सुमित जी टू लाइन पर। प्लीज सभी ऑप्शन भी अपना चार से यहाँ पे मेरे सभी ऑप्शन से निवेदन है कि वो भी अपना चार समझ आके क्रमरक्षित
जल्दी पहुंचे रेडर को भेजा है क्योंकि राइट रेडर बाहर है। 25 नंबर 21 नंबर के ऊपर जिम्मेवारी भी अपने रेडर को अंदर लाए। और स्टेज के पास जो भी स्टेज के साथ जिनकी ड्यूटी चाय पान के लिए लगाई गई है, जो भी मेरे भाई आए हैं वो कृपया जल्दी इमीडिएट रिपोर्ट करें स्टेज पे। जिनकी ड्यूटी चाय पान के लिए है वो जल्दी रिपोर्ट करें स्टेज पे। भाई यहाँ पे विवियन ब्लू के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन रेडर आज रेड में अभी तक सफल। विवियन विवियन की टीम प्लीज। खेलो इंडिया सेंटर की टीम पहुंच चुकी है सागर सेमीफाइनल। विवियन की टीम फाइनल गोल हो चुकी है। रिपोर्ट करें गोल नंबर टू। ये 7 नंबर खिलाड़ी छोटे कद के हैं लेकिन छोटे नहीं है, चुलबुले खिलाड़ी। इतने बड़े डिफेंस को हिलाते हुए तारीफ करनी होगी यहाँ पे। ये विश्वास कॉन्फिडेंस दिखता है रीडर में और ये रीडर में कॉन्फिडेंस यहाँ पे 16 नंबर खिलाड़ी कवर से टच करने की कोशिश रहेगी क्योंकि अभी डिफेंस मौका नहीं देते हुए थोड़ा सा मुश्किल रहेगी लेकिन ये आसान ये बहुत जल्दबाजी यहाँ पे। वन टेक्निकल पॉइंट फेवर ऑफ टेक्निकल पॉइंट गया है डबल एंट्री और यहाँ पे देखो मैच की स्थिति थोड़ी सी स्लो स्लो दोनों टीमें मैच को स्लो करते हुए ये रेडर अच्छा रेफरी प्लीज करें मैच का शाबाश। जल्दी करो भाई जल्दी बीबीएन प्लीज। बहुत बढ़िया डिसीजन यहाँ पे बहुत बढ़िया क्योंकि रेफरी डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा और अगर आप रेसलिंग टीम में नहीं रहते हैं तो दूसरी टीम को टेक्निकल पॉइंट चला जाता है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखें। अनुशासन एक प्लेयर के लिए खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है और दूसरा मैच भी शुरू होने वाला है बीबीएन रेड और खेलो इंडिया राजपुरा के बीच में। हेलो अंकु भाई जल्दी आए अंकु
मैच शुरू हो चुका है और खुद जल्दी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। टू पॉइंट चुनना लीडरशिप यहाँ पे कड़ा मुकाबला चल रहा है। और बीबीएन ब्लू के बीच में यहाँ पे बीबीएन की रैंकिंग और ब्लू की दोनों साइड सेमी फाइनल पहुंच गए। और यहाँ पे ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ बीबीएन ब्लू के ऊपर। और यहाँ पे ऑपरेटर की यही रणनीति रहेगी, एक बोनस बटोरा जाए और चाहे आउट भी होते हैं तो एक पॉइंट तो अपने खाते में बटोर लेंगे। लेकिन रणनीति बदल भी सकती है, टच पॉइंट भी आ सकता है क्योंकि ये कबड्डी का खेल है और कबड्डी के खेल में आप अनुमान गलत साबित भी हो जाते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे ऑफिशियल की तारीफ करनी होगी बहुत अच्छे तरीके से मैच का मैनेजमेंट करते हुए। काफी बेहतरीन डिफेंस भी बेहतरीन ग्राउंड वाले बच्चे प्लीज चूना डाल दे बोनस पे। ग्राउंड वाले बच्चे ब्लैक प्लीज ले लिए है भाई। स्कोर पहुंच चुका है 12-19 फेवर ऑफ रुद्रा अकेडमी। और चुने वाले बच्चे भाई ग्राउंड नंबर 2 में चूना डाल दे। बस कुछ कर ही आया बेटा, 2 दिन से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चुने वाले ग्राउंड नंबर 2 में जो चुने वाले बच्चे हैं चूना डाल दे। और यहाँ पे आज इस मैच की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे एमएलए सर श्री हट्टी बाबा जी हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं। हम कम दे दिन अगर उनके पास अभियान दे देते हैं थोड़ी चोट महसूस कर रहा है प्लेयर। 12-19 फेवर ऑफ रुद्रा अकेडमी ऊना। स्कोर की बात करें तो 19 फेवर ऑफ रेडी बोलना की रेडी 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 प्लीज ऊना की टीम अभी लीड बनाए हुए हैं। हम एल एस सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हमारे कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रधान और उनका भी दिल से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं क्योंकि आज हमारे खिलाड़ियों के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व अगर हमारे बीच रहते हैं तो खिलाड़ियों के लिए मनोबल को बढ़ाने के लिए एक बहुत जरूरी प्रक्रिया रहती है। और आपका आगमन यहाँ पे हुआ आपका हृदय से हृदय से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आइए दबोटा की धरती पे और दोनों सेमीफाइनल मैच में बीबीएन की दोनों टीमें पहुंची हैं ये भी तारीफ करनी होगी बीबीएन ब्लू बीबीएन रेड। लेकिन यहाँ पे कड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों छोर पे एक तरफ रुद्रा और बीबीएन ब्लू का और दूसरी तरफ राजपुरा और बीबीएन रेड के बीच में मुकाबला चलता हुआ। और अगर जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे भूषण सर के लिए कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मैनेज करें क्योंकि इतना बड़ा इवेंट मैनेज करना काफी मुश्किल रहता है। और अब हम अंत क्षणों तक पहुंच चुके हैं तो अंत क्षणों के लिए बहुत बहुत बधाई क्योंकि अब इसके बाद हमारे सामने से फाइनल मुकाबला होने वाला है और उस फाइनल मुकाबले का रोमांच बहुत ज्यादा होगा। I'm going to go.
एक बार फिर से रेफरी डिसीजन फाइनल राजपुरा जिन्ना निकल ना दिखा वन पॉइंट बीबीएन ब्लू सुपर टैकल का मौका बीबीएन के पास एक छोर पे बीबीएन रेड और फिल्म राजपुरा दूसरे छोर पे रुद्रा अकेडमी हाफ टाइम चेंज द कोर्ट पच्चीस पंद्रह हाफ टाइम का स्कोर रुद्रा अकेडमी पच्चीस बीबीएन ब्लू पंद्रह मेरी गुजारिश रहेगी हमारे चंबा के हमारे टीम कोचेस और मैनेजर से आज हमारे यहाँ पे हमारे एमएलए सर हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे गवर्नमेंट एसोसिएशन के प्रधान भी यहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश और हमारे टीम कोचेस हमारे यहाँ पे मैनेजर यहाँ पे चंबा की टीम से बहुत दूर से टीम लाते हैं बहुत मेहनत करते हैं हमारे मोहम्मद रफी सर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए और इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी पवन जी से कि अपना ये सम्मान प्राप्त करें ये आज इस जूनियर बॉयज चैंपियनशिप का ये सम्मान आपको दिया जा रहा है और आप इतनी मेहनत करते हैं इतनी दूर से टीम लाते हैं यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप इतनी दूर से आना काफी मुश्किल रहता है चंपा बहुत दूर है और इतने दूर जाना और मेरी गुजारिश रहेगी हमारे यहाँ पे हिमालयन स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के हमारे यहाँ पे एक हमारे भाई हैं और बहुत मेहनत करते हैं सभी मैचेस को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं हिमालयन स्पोर्ट्स अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं हिमालयन स्पोर्ट्स स्कोर बराबर कोर्ट नंबर टू पे जो मैच चला है यहाँ से जगह खाली रहते हैं थोड़ा सा मंच का सम्मान बहुत जरूरी रहता है मंच पे टीम करके रहेंगे तो आपको जानते हैं थोड़ा सा सम्मान बहुत जरूरी टाइम आउट बीबीएन ब्लू के द्वारा टच का प्रयास बीबीएन की ओर से लेकिन असफल बेहतरीन मुकाबला चला हुआ दोनों टीमों के बीच में जो भी यहां से क्वालिफाई करेगी वो फाइनल के लिए सीधा प्रवेश कर जाएगी अगले राउंड के लिए 7-6
पॉइंट की लीड बनाया हुआ है उन्ना की टीम, जो फाइनल के लिए साइप क्वालिफाई कर जाएगी उन्ना की टीम। देखना होगा कि बीबीएन ब्लू बीबीएन रायपुर बीबीएन ब्लू की ओर से अपनी रेड पर 7 नंबर जर्सी मेरा सभी गणमान्य जो खेलो इंडिया सेंटर के पीछे बैठे हैं, जो आउट प्लेयर्स के लिए चेयर है, कृपया आप उन चेयर्स को बच्चों को छोड़ दें ताकि जो आउट प्लेयर है वो बाहर बैठ सके। कृपया आपसे अनुरोध है, आप सब मेरे लिए माननीय है, आपसे मैं बोल ही सकता हूं। एक बार प्रॉपर किया खेल इंडिया सेंटर की टीम ने, स्कोर प्रॉपर 9 मिनट लेफ्ट। वन पॉइंट विवियन, टाइम वेस्ट करते हुए
बहुत अच्छी लीड बना चुकी है उन्ना की टीम और फाइनल के लिए शायद क्वालिफाई कर जाएगी। जीत करते हुए बना दी है और यहाँ पे तीन नंबर जर्सी भी दिया है ब्लू की ओर से अपनी रेड पर बोनस पॉइंट और यहाँ पे उन्ना की टीम फाइनल क्वालिफाई कर चुकी है और यहाँ पे लास्ट रेड और यहाँ पे